सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और आज है दिन संडे का, और आई डोंट नो ये वाला ब्लॉग कब आएगा, मंडे आएगा या ट्यूजडे आएगा। सो अभी जस्ट मैं ऐसी बैठी हुई थी, मतलब आज सुबह से कुछ किया नहीं था ज़्यादा कुछ, और घर के काम में ही मतलब मैं लगी हुई थी। और अभी उठी हूँ तो शाम के कुछ बज रहे हैं 4 समथिंग, और मम्मी बना रही है चाय, तो मैं अभी चाय पीऊँगी। और यस, आप में से कुछ लोगों ने गैस मेरा हेयर केयर रूटीन के बारे में पूछा था, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ना गैस, मैं उसमें ज़रूर शेयर करूँगी मेरा हेयर केयर का रूटीन कि क्या है। बहुत बेसिक सा रूटीन है, मैं ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करती हूँ तो बस। और गैस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए। अगर आप लोगों के कुछ ग्रुप्स हैं, फैमिली ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ में आप ज़रूर शेयर करो। और बस यही अपडेट थी, आज तो ब्लॉग आया नहीं है, तो होपफुली कल मैं ब्लॉग अपडेट करूँगी। और अभी हाँ, अभी मैं जाने वाली हूँ मार्केट, एक्चुअल में थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तीज आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है ना, तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, मम्मा को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो अभी हम लोग जाएंगे मार्केट, और हम लोग जाने वाले हैं तुराब नगर गाइस। और गाज़ियाबाद से जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा अगर आप लोग तुराब नगर गए हैं और वहाँ पे शॉपिंग किया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो बस उसी की अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सिस्टर मेरी गई है ऑफिस, वो ऑफिस से डायरेक्ट हमें वहीं मिलेगी क्योंकि हमारे ऑफिस से पास में ही है तुराब नगर। और मैं और मम्मी घर से जाएंगे डायरेक्ट, तो अभी चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद में आप लोगों को डायरेक्ट मिलते हैं मार्केट में। कोशिश करूँगी कि मैं तुराब नगर मार्केट का हॉल बनाऊँ, अगर मैं बना पाई तो तुराब नगर हॉल बनाऊँ, कह रही वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ। तो चलो चलते हैं, रेडी होते हैं। सो गाइस, हियर मैं और मम्मी निकल रहे हैं मार्केट आने के लिए। और पीछे मेरे पेड़ देखो गाइस, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मुझे और मम्मी को प्लांटिंग्स बहुत अच्छी लगती है। तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं तुराब नगर जाने के, चलिए। सो गाइस, यहाँ मार्केट में सबसे पहले एंटर होते मैंने और मेरे सिस्टर ने लिए थे मैक्सिकन कॉर्न्स। और गाइज, यहाँ पे कर रही थी मेरी सिस्टर व्लॉगिंग, और हम गए थे अपने कान्हा के लिए कुछ मतलब एक्सेसरीज़ वगैरह लेने के लिए। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी शॉप है तुराब नगर के अंदर, जहाँ पे आपको कान्हा का हर आइटम मिलेगा। तो यहाँ मेरी सिस्टर कर रही है व्लॉग और मैं और मेरी मम्मा कर रहे थे शॉपिंग। तो आप देखो कितनी सुंदर है गाइज, अगर आप लोग आना चाहें ना तो यहाँ ज़रूर आ सकते हो। मैं इनका एड्रेस और शॉप का नाम ना कॉमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूँगी। ज़रूर मतलब मस्ट ट्राई शॉप है गाइज, यहाँ पे एक से एक चीज़ आपको मिलेगी। आप देखो पूरी दुकान भरी पड़ी है कान्हा के ड्रेसेस से, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इनके पास बड़ी प्यारी प्यारी राखी की भी कलेक्शन आई हुई है। तो आप देखना, अभी भैया के मुँह ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। ये देखिए गाइज, सारे झूले वूले सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और कान्हा देखिए कितने प्यारे प्यारे, और यहाँ मैं और मेरी मम्मा कर रहे थे शॉपिंग। ये पूजा हैंडीक्राफ्ट के नाम से शॉप है इन अंकल की। और गाइस एक ये बच्ची दिखी थी हमें, आप बोलिए। नमस्कार, पूजा इंडिया तो रामनगर से। आज मैं आपको राखी का एक कलेक्शन दिखा रहा हूँ, जिसमें ये देखिए मैंने एक स्पेशल राखी बनाई है, कैलकटा की हैंडमेड राखी है, जिसके अंदर जैसे मेरी घरेलू भाभी, और जब पति घर से निकलता है तो ये नहीं कहती वो लिपस्टिक चाहिए मुझे, वो चाहिए, वो कहती है धनिया ले आना। तो ये मेरी भाभी के लिए, ये मेरी होट मॉडर्न भाभी है। एक इसके अंदर दिया है मेरी ऑनलाइन वाली भाभी, जो कई बार ऑनलाइन शॉपिंग में लगी रहती हैं उनके लिए। एक सबसे स्पेशल ये देखिए मेरी हेल्थ कॉन्शियस भाभी, जो खाने में बड़ा डरती हैं और हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो मेरी हेल्थ कॉन्शियस भाभी है। और एक मेरी एक टी लवर्स वाली भाभी है, जो टी को बहुत ज़्यादा चाय पीती है, तो उनके लिए टी लवर वाली भाभी को मेरे लिए बनाया है।
एक इसके अंदर ये वाला देखिए मेरी ग्रीन टी वाली भाभी जो ग्रीन टी में ज़्यादा विश्वास रखती हैं, और ये सब पेयर के अंदर हैं जो भैया और भाभी दोनों के लिए दिया हुआ है और ये पेयर में है। एक इसमें मेरी आजकल जैसे भक्ति भाव ज़्यादा हो रहा है तो हमारे राधे राधे प्रेमी बहुत हैं, तो मेरी राधे राधे वाली भाभी के लिए ये मेरी राधे राधे वाली राखी है। और इस तरह का कलेक्शन मेरे पास बहुत ही अनलिमिटेड कलेक्शन है, आएंगे तो बहुत कुछ नया मिलेगा। आपका नाम भैया? मैं पूजा, इनके पुराने नाम से अनुज गोयल। सो गाइज, ये था भैया ने जितनी भी राखियाँ दिखाई थी, आपने देखा कि डाइटिंग वाली, जिम वाली, चाय लवर, राधा लवर, कृष्णा लवर, तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। अगर आप मतलब तुरामनगर आ रहे हो तो पूजा हैंडीक्राफ्ट के नाम से इन भैया की शॉप है, सालों से हम लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो मस्ट ट्राई और सी कितने प्यारे प्यारे राधा कृष्ण सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आप एक बार ज़रूर आइए अगर आप तुरामनगर आ रहे हैं यहाँ पे, तो कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है गाइज, बस जस्ट मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया जस्ट आप लोगों के साथ में, बाकी आप लोगों की चॉइस है। सो गाइज़, वहाँ से निकल के हम लोग आ गए थे छोले भटूरे खाने के लिए। एक्चुअल में हम लोग क्या, मेरा बहुत मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का, और घर पे लेके आते हैं या मंगाते हैं तो बहुत सौगी से हो जाते तो मज़ा नहीं आता, तो ये डिलीशियस से छोले थे, प्याज था उसके साथ, अचार था, और ये मतलब काफ़ी और बिल्कुल ऑयली भी नहीं थे। इनकी खास बात ये थी, तो मेरी सिस्टर तो खाने वाली नहीं थी बट फिर भी मैंने उसको बोला तू टेस्ट करके बता दे कैसा है, तो मेरी सिस्टर ने टेस्ट करके पास कर दिया है। अभी मेरी मम्मी भी बताएंगी टेस्ट करके कैसा है, उसके बाद में हम लोग ट्राई करेंगे। वैसे तो अच्छा बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऑयली नहीं लग रहा था, टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा था, ऑयली भी नहीं है ना। सो गाइस, हम मंदिर, हम बाज़ार से एग्जिट कर रहे थे तो रास्ते में ही एक मंदिर पड़ता है बिल्कुल चौक पे, वहाँ आरती हो रही थी तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए आरती के लिए। शिखा आवाज कम, ये बंद कर ले यार। सो गाइज, मैं आ गई थी मार्केट से और मतलब आज मतलब जाना एकदम वेस्ट ही रहा क्योंकि कुछ भी मार्केट के अंदर नया नहीं आया हुआ था। एक्चुअल में मैं गई थी थोड़ी सी मतलब कुछ ड्रेस वगैरह लेने के लिए गई थी, मतलब सूट वगैरह, बट बिलीव मी गाइज, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तुरामनगर में कुछ भी अच्छा कलेक्शन नहीं था, तो मैं ज़्यादा कुछ लेके ही नहीं आई, कुछ छुटर पुटर सामान लेके आई हूँ जो मम्मी लेके आई हैं, कान्हा जी की ड्रेस वगैरह बनाएंगी वो उसके लिए, तो मैं दिखाती हूँ एक बार आपको। सो गाइज, ये कुछ कुछ चीज़ें मम्मी लेके आई हैं, ये मम्मी फ्लावर्स लेके आई हैं लगाने के लिए ड्रेस पे कान्हा की, ये कुछ इस तरीके के आइटम्स हैं लगाने के लिए, और ये भी हैं, और ये कुछ ड्रेस पे लगाने के हैं कान्हा और राधा के, और एक मैं बड़ी प्यारी सी चीज़ गाइस लेके आई हूँ, सी ये ना, इसमें चावल है और रोली है और ये मतलब छोटी सी थाली बनी हुई है, ये मतलब हमें पसंद आ गई तो हम ले आए, राखी में तो अभी बहुत टाइम है बट स्टिल हमें अच्छी लग रही थी तो हमने ले ली। एक तो मैं ये वाली लाई हूँ और एक मैं लेके आई हूँ ये वाली सी, कितने क्यूट लग रहे हैं ना ये देखो। और इसी के साथ में एक ये भी है, इसमें भी एक में चावल है और एक में रोली है गाइस, और एक हम ये लेके आए हैं, ये भी मतलब डेकोरेट करने के लिए कान्हा की ड्रेस के लिए, और ये एक मशीन लेके आए हैं, ग्लू मशीन है, और मतलब ये ग्लू ड्रेस पे लगाने के लिए आता है तो वो हम लेके आए हैं। और हाँ, मैंने आपको शॉप का अंदर का भी शेयर किया था, इतनी प्यारी प्यारी राखी थी गाइस, आप वो देखना। और कान्हा के लिए हम जलेबी लेके आए थे, और कितनी स्टाइलिश सी जलेबी है देखो, कितनी बड़ी बड़ी है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा।